नकवी साहब ये बताइएगा कि कल से निगरान सेटअप पर शदीद एतराज़ हो रहा है पीटीआई की तरफ से। वो कह रहे हैं कि ये आए थे एक न्यूट्रल सेटअप के तौर पे, लेकिन हमारे रहनुमाओं को जिस तरह सूबे के दीगर अजला में भिजवाया जा रहा है ये बिल्कुल इम्पार्शियल नहीं रही। आप एक सिर्फ एक सेकंड मेरी बात सुन लो, मैं बता देता हूँ। देखें सबसे बड़ी बात है, जिस टाइम उनका एहतजाज हो रहा था उनको सब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप वहाँ ना करें, क्योंकि उस वक्त पीएसएल की टीम आ रही थी, उसी टाइम उनका एहतजाज चल रहा था। अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाता, कौन जिम्मेदार था? फिर तो हमें ही क्रिटिसाइज़ करना था ना सब ने उनको, स्पेशली वही दिन वही टाइम वही सारा कुछ था। ये ज्यादती है, ये ना करें, बाकी अपनी पॉलिटिक्स करें, बिल्कुल करें। वो देखें मेरी बात सुने, फिर सारे लोग बैठे, उसके बाद एक सिर्फ छोटी सी चीज़ थी कि हमें किसी भी सूरत में पीएसएल की सिक्योरिटी, बाकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। उसके अलावा हमें कोई तरह, वो जितनी मर्जी एहतजाज करें जो मर्जी करें, उनका राइट है करने का। अच्छा सर, दूसरा सर, बलदियाती एक्ट 2022 पंजाब असेंबली से मंजूर हुआ, उसके बाद कैबिनेट ने मंजूरी दी और वो कानून बन गया। अभी आपकी तरफ से एडवाइस की गया गवर्नर को और बलदियाती एक्ट 2013 बहाल कर दिया गया, सर उसको रीज़न? देखिए उसमें बहुत सारी, क्योंकि 4-5 दफ़ा चेंजेस हुई हैं सारी के सारे, तो सब ने जो फैसला किया कि जो बेहतर है उसको करते हैं। नहीं, हमने कानून साजी नहीं की सर, नहीं हमने कोई एक्ट बना दिया सर, नहीं हमने नहीं बनाया, नहीं बनाया। आप चेक कर लें, नहीं आप चेक कर लें, हमने नहीं कराया। नहीं काम होता रहेगा, 23 मार्च को ये 100% कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। नहीं सर, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इलेक्शन के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से, अगर डेट आ जाती है तो क्या आप तैयार हैं? जब भी इलेक्शन की, जब भी इलेक्शन होगा हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा सर, वो सियासी हलकों की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप पीएसएफ का भी कर रहे हैं इल्जाम, सब कुछ कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ उसके लिए हम 100% रेडी हैं। वो पहला काम है हमारा, ठीक है, थैंक यू।